हेलो झारखंड एली जी, मैं आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे शुरू करता हूँ झारखंड जीके का मैराथन क्लास नंबर 3। इस लेक्चर में कंप्यूटर साइंस जीएस और झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और कुछ कुछ जेएसएससी या जेपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आज जेएसएससी स्टेनो 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मिलेगा। तो क्लास आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा और एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में, तो निम्न कथन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर 49 दिनों के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक और दो, एक दो तीन सभी, या फिर केवल दो? सही आंसर इसका सी है, 1 2 3, सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। इनका जन्म जो ईयर है, जन्म ईयर उसको याद रखिएगा, यानी कि बर्थ ईयर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था जन्म, तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी अपने बोलिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। 35 वर्ष की आयु में जो है बोध गया में जो है निरंजन नदी के तट पर 49 दिनों के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और निरंजन नदी का जो आधुनिक नाम देखिएगा तो आपको फल्गु नदी मिलेगा। बाकी कुशीनगर में जो है उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु को वह प्राप्त हो गए थे 483 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिए, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो सारा स्टेटमेंट हो चुका है, बाकी आइए कुछ और क्लियर करता हूं। तो सारा चीज हो चुका है, जन्म इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था। यह प्लेस इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, लुम्बिनी प्लेस नेपाल है। और जन्म जो प्रतीक, जन्म का जो बाद में प्रतीक दिया गया था वह घोड़ा दिया गया था, तो याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह उनका जो जन्म था उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। इनके पिता का नाम सुधोदन था, माता का नाम महामाया था, लेकिन इनका लालन पालन जो है गौतमी के द्वारा किया गया था। ये जो है इनकी स्टेप मदर थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की यह स्टेप मदर थी। बाकी इनका शादी जो हुआ था, विवाह यशोधरा के साथ हुआ था 16 वर्ष की आयु में। यह जो है 29 वर्ष की आयु में जैसे घर से जो है चले गए थे, यानी घर त्याग दिए थे। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो घर त्यागने का घटना था उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में हुआ था, जिसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश इनके द्वारा दिया गया था सारनाथ में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और निधन इनका 483 ईसा पूर्व हुआ था कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो सारा चीज देख लीजिएगा, बाकी कब है से किसके टाइम में जो है बौद्ध संगीति हुआ, चारों के चारों आपको मैं पिछले क्लास में जो है प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा, बकायदे इसका प्ले लिस्ट बना है, लिंक आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग विजिट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सारा चीज हो चुका है, देख लीजिएगा आंसर इसका सही है, बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय में राष्ट्रीय आय गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, सीआर दास, या फिर रघुराम राजन? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय को जो कैलकुलेट करने का प्रयास किया गया था पहली बार इन्हीं के द्वारा किया गया था 1867-68 के आसपास, ठीक है। बाकी पहला जो ऑफिशियल प्रयास किया गया था, ये तो ऐसे कर लिए कि हमको राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना है, लेकिन जो पहला जो ऑफिशियल प्रयास किया गया था वो पीसी मालवुनिस की अध्यक्षता वाली जो है राष्ट्रीय आय समिति था, उसके द्वारा किया गया था 1949 में, यानी कि आजादी के बाद। तो याद रखिएगा इसके बारे में, राष्ट्रीय आय जो ज्ञात किया जाता है उसको जो है करने की विधि, देखिए उत्पाद विधि होता है, आय विधि होता है, और उपभोग विधि होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपसे जो है एक नॉमिनल से पूछते हैं, तीन ऑप्शन दे देंगे आपको, चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन जो है इसमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपसे आपको दे देगा और चौथा कुछ और डाल देगा। तीनों को याद रखिएगा, उत्पाद है, आय है, और उपभोग है। तो दो को ऊ है, ऊ और अ है, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ याद रखिएगा, बाकी सारा चीज ध्यान रखिएगा। बाकी राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है वह जो है NSO है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2019 में कांड हुआ जिसको नाम बोलते हैं क्या हुआ, तो CSO यानी कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मर्ज करके जो है NSO बनाया गया था। NSO पहले से नहीं था, 2019 में जो है यह आया था, तो CSO और NSSO को मर्ज किया गया 19 में, उसके बाद इसका नाम जो है NSO रख दिया गया। तो यही जो है राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो सारा चीज़ तो यहाँ पे हो गया, पीसी मार्मोनिस को ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान आया था वह जो है मार्मोनिस प्लान पर ही बेस्ड था, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-1961, ध्यान रखिएगा, जिसमें इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। और इनका 29 जून है ना, जून ही होगा, तो 29 जून को जो है हम लोग
नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो आंसर तो इसका हो गया दादा भाई नोरी जी, बाकी कुछ और पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इनको जैसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो है सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, और इनका एक बुक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगेन द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी तो आपको पता होगा संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे, और पहले लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री थे। सी आर दास को इंपोर्टेंट है पर्सन, 1908 में अलीपुर बम केस हुआ था आपको याद होगा, तो जो अरविंदो घोष का जो बचाव किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी कि अलीपुर बम केस में यही जो है से वकील थे, और इनको जो है से दिन देश बंधु के नाम से जाना जाता है, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, दीन बंधु के नाम जाना जाता है, उनका नाम है सी एफ एंड्रयूज ना, दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज कहा जाता है। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है याद रखिएगा। उर्जित पटेल से पहले थे, सारा चीज हो चुका है और कुछ हाँ। राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो राष्ट्रीय अगर निकालना होगा नेशनल इनकम तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन कर दीजिएगा, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ऐसे आपको राष्ट्रीय आय कैलकुलेट हो जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी और सबसे छोटी पेशी जो है से कौन कौन सा है, क्रमशः आपको बताना है ग्रालिसिस, फ्यूमर, फ्यूमर सार्टोसियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, या फिर ग्रालिसिस, या फिर सार्टोसियस, या फ्यूमर। आंसर इसका डी है, सार्टोसियस और फ्यूमर इसका आंसर होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सबसे लंबी पेशी है सार्टोसियस और सबसे छोटी पेशी होता है फ्यूमर, लेकिन सबसे बड़ा जो पेशी होता है उसको ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पेशी मतलब होता है आप लोग बोलिए इसको मसल, और मानव शरीर में 639 जो ऐसे मसल होता है, ठीक है इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, आंसर इसका डी है। क्वेश्चन यहाँ पे ना आपको मिक्स मिलने वाला है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 1320 से 1414 तक किस राजवंश का शासन था, ऑप्शन है तुगलक, मामलुक, लोधी या फिर खिलजी, सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर इसका होगा तुगलक होना चाहिए, या आंसर इसका जो है से तुगलक होगा ए। तो यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली सल्तनत में कुल जो है से पांच जो है से राजवंश शामिल हैं, मामलुक डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मामलुक डायनेस्टी इसको बोलते हैं, तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है से ये चला था। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, डायरेक्ट जो है ऑर्डर में भी आपको लगाने के लिए दे देते हैं, चार पांच आपको उठा के दे देंगे किसी ए पांच में से कोई चार, और बता देंगे आपसे पूछ देंगे कि जो है इसको क्रमानुसार यानी कि ऑर्डर वाइज जो है से व्यवस्थित कीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी जो है से आता है। तो मामलुक है सबसे गुलाम है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, सैयद है, फिर लोधी है, फर्स्ट और लास्ट याद होगा, पहले तो गुलाम हो जाएगा, और लास्ट में जो 1526 में आपको पता होगा पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा लोधी ऐसे लास्ट में आएगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इतिहास की पहली महिला शासक बोला जाता है रजिया सुल्तान को, और ये 1236 से 1240 के बीच में रही थी, यानी कि ये जो है गुलाम वंश से संबंधित थी, अविया इल्तुतमिस की बेटी थी, आंसर ए हो जाएगा। इस तरह चीज देख लीजिएगा, टेम्पलेट भी देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो संथाल विद्रोह आखिर हुआ कब था, तो आपको पता होना चाहिए 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, भोगनाडी गांव में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, लॉर्ड डलहौजी का काल देखिएगा, तो 1948 से लेकर 56 तक जो है यही जो है गवर्नर जनरल थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्हीं के काल में जो है हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह। तो आंसर तो हो चुका है 30 जून 1855-56 को यह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड देखिएगा टेन्योर, तो 1848 से लेकर 56 तक था, तो उस समय जो है गवर्नर जनरल यही थे, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये चीज देख लीजिएगा कि जो हड़प सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप लोग देखते हैं, तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था, और इसके तहत जो पहला प्रांत को जो है हड़पा गया था वह सतारा था, यानी कि सतारा को पहली बार सताया गया था, मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1948 में ऐसा काम इसको किया गया था। उसके बाद था जयपुर और संबलपुर को 49 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऐसे भी आता है 53 में, और नागपुर को 1854 में किया गया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको शामिल कर लिया गया था। इसे तो पता होगा रेलवे भी इन्हीं के टाइम में जो है इनकी स्टार्ट किया गया था, तार सेवा भी देखिएगा तो इन्हीं के टाइम में शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी देख लीजिएगा, तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 वाला इससे रिलेटेड है। लॉर्ड कैनिंग को देख लीजिएगा, कैनिंग है तो भारत के जैसे पहले वायसराय बने थे, और लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा है, यानी कि सबसे नया सदस्य कौन सा है, ये होता है साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। आंसर इसका सही है अफगानिस्तान जो है सार्क का नवीनतम यानी कि सबसे नया जो है सदस्य है। देख लीजिएगा 2007 में जो है यह सदस्य बना था। फुल फॉर्म देख लीजिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। कुल सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल,
मालदीव है, उसके बाद पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, कुल 8 हो जाएगा, काउंट कर लीजिएगा। 1985 में जो है इस सार्क की स्थापना किया गया था, लेकिन आपको पता होगा इसका जो दो बोलिए आसपास देखिएगा तो दो इसके इंपोर्टेंट मेंबर हैं, पाकिस्तान है, भारत है, और भारत और पाकिस्तान का जो है बनता नहीं है, जिसके चलते ये ठंडे बस्ते में जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल गया है, इस पर बैठक वैठक ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आंसर इसका सी है, अफगानिस्तान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योजना की शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा ये जो योजना शुरू किया गया खासकर 2014 के बाद, तो सब क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है, बेटी बचाओ, जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, उसके बाद और भी बहुत सारी योजनाएं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, तो सब ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2014, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2016 या फिर 22 जनवरी 2017, आंसर इसका भी होगा 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया था। तो हो चुका है 2015 में, स्थान है पानीपत हरियाणा, तो हरियाणा से शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है, 2008 से जो है बालिका दिवस मनाया जा रहा है, और अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो कि 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार 2008 से ही मनाया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस सेम ईयर यानी कि 2008 से जो है मनाया जा रहा है, आंसर इसका बी है, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। यहाँ पे किया गया था कि भारत में जो देखिएगा सेक्स रेशियो सबसे कम है भारत में हरियाणा का, इसीलिए यहाँ से शुरू किया गया था, कितना जरा सेक्स रेशियो बताइए जरा देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लू फाउंटेन या फिर जोहान्सबर्ग, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिएगा तो जैसे भारत के बारे में अगर बात कीजिएगा तो अलग अलग इसका राजधानी, जैसे एक तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोलिएगा प्रशासनिक राजधानी तो न्यू दिल्ली आप लोग बोल सकते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल इसका हो जाता है मुंबई में, स्पिरिचुअल कैपिटल हम लोग बोलते हैं इसका बनारस में, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है दक्षिण अफ्रीका का भी है, तो जो प्रशासनिक राजधानी वो प्रिटोरिया है, उसके बाद न्यायिक राजधानी इसको ब्लू फाउंटेन बोलते हैं, और उसका जो विधायी राजधानी है उसको केप टाउन के नाम से जाना जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, जो यहाँ पे पूछा गया था प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, उसका आंसर ए हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा जैसे जैसे कोई एग्जाम होता है उसमें जो आपके पड़ोसी देश है भारत के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। श्रीलंका के भी देख लीजिएगा आप लोग, न्यायिक और कार्यकारी राजधानी कोलंबिया होता है, और जो विधायी राजधानी उसको श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे कहा जाता है, कोट्टे होता है, कोट्टे नहीं कोट्टे, आंसर इसका ए है। बाकी अभी एक क्वेश्चन श्रीलंका से और आएगा जब स्टेनो का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब, ठीक है। तो प्रिटोरिया इसका आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को देख लीजिएगा, कैपिटल तो हो गया, करेंसी यहाँ पे रैंड चलता है, करेंसी रैंड। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कब हुई, 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, या फिर 486 ईसा पूर्व, या फिर 648 ईसा पूर्व। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिएगा महावीर के बारे में, तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थकर हुए थे, ठीक है, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे, कुंडल ग्राम में, लिच्छु संप्रदाय में हुआ था, और वज्जी इनका साम्राज्य था, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जैन धर्म के यह अंतिम तीर्थकर थे, याद देखिएगा, पहले कौन थे, तो पहले जैसे ऋषभनाथ थे, उनके और उनके देखिए जो भाषा उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता था वे थे, या फिर उनके अनुयायी प्राकृत भाषा यूज करते थे, और उनका जो से मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व, तो आंसर इसका भी होना चाहिए था, ठीक है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो महावीर के बारे में याद रखिएगा, बाकी जैन धर्म से रिलेटेड महावीर हैं, आगे भी कुछ होगा, या जैन धर्म देख लीजिएगा, प्रथम जो जैन संगीति हुआ था वह 300 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम में, स्थूल भद्र उस समय अध्यक्ष थे, द्वितीय हुआ 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, और उसमें अध्यक्ष जो बने थे वह देवर्धी क्षमा सुमन थे, ये सब कुछ देख लीजिएगा। हाँ, तो बात कर रहा था कि 24 जैन धर्म तीर्थकर हुए, तो झारखंड में एक प्लेस है गिरिडीह में, आपको पता होगा पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर से रिलेटेड है, तो बोला जाता है कि 24 में से 20 जो जैन धर्म के लोग हैं मतलब जो तीर्थकर थे उनको जो है ऐसे मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था पारसनाथ में, ठीक है, जिसको जैन धर्म का मक्का के नाम से जाना जाता है, गिरिडीह में यह लोकेटेड है, और यहाँ पे तो पहाड़ी भी आपको पता होगा झारखंड में, कितनी बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, 1365 मीटर जो है इसका हाइट है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 468 याद रखिएगा। बेरिंग जल स्थल थे यानी कि स्टेट है, किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी, हिंद महासागर, जावा सागर, भूमध्य सागर, या फिर अटलांटिक महासागर, या फिर आर्कटिक सागर, या फिर प्रशांत महासागर, आंसर इसका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आंसर डी है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है, विश्व में देखिए तो कुल 5 ही महासागर है ना। देख लीजिए कुछ कुछ जो है जल संधि यानी कि स्टेट के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, पाक जल संधि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच में है,
मलक्का भी पूछा जाता है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, सुंडा जल संधि है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में, जिब्राल्टर है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में, होर्मुज है पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, और बेरिंग है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। तो सब कुछ कुछ जल संधि यानी कि वाटर स्टेट याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है कि कुल संख्या विधानसभा का कितना होता है, 1/3, 2/3, 3/4 या फिर 1/2। तो इसका सही आंसर होता है 1/3। तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा का कुल स्ट्रेंथ का 1/3 होता है। सबसे पहले पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद का जो गठन होता है वो आर्टिकल 171 के तहत होता है, संविधान के अनुच्छेद 171 है उसके तहत जो है विधान परिषद का गठन किया जाता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा कुल संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा का 1/3 होता है, और भारत में विधान परिषद देख लीजिए कहाँ 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 पे है, तो आंध्र प्रदेश में, बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो 6 टोटल ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन पता होगा 2019 में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 और 35A सबको हटा दिया गया था, तो अब जो है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो टोटल 6 ही आपके पास विधान परिषद हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है, कोई तीन ऑप्शन दे देंगे जो विधान परिषद है, एक नहीं होता है उसमें बोल देता है कि कहाँ पर जैसे विधान परिषद नहीं है, या पूछ भी देता है कहाँ पर जैसे विधान परिषद है। बाकी यह देखिएगा जो विधान परिषद होता है उसका सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं यानी कि 1/3 मेंबर होते हैं एवरी 2 ईयर जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। ये कुछ कहानी देख लीजिएगा, विधान परिषद उसी तरह से है जिस समय जिस तरह से राज्यसभा होता है यानी कि इसको ऊपरी सदन बोला जाता है राज्य में, और जो विधानसभा होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है। आंसर इसका ए 1/3 होगा। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एडविन हबल, जॉर्ज लेमित्रे, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर स्टीफन हॉकिंग। आंसर जो है इसका भी होगा, जॉर्ज लेमित्रे के द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी को जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बी इसका आंसर होगा, हो गया देख लीजिएगा। बाकी जो एडविन हबल है वो थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा जो यूनिवर्स है वो जो है बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये स्टेशनरी है कि वर्ल्ड इतना ही है, ये जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो जो थ्योरी दिए थे यह एडविन हबल ही दिए थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पता होगा ये जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, 1921 में इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोला जाता है। देखिए ये जो है पर्सन स्टीफन हॉकिंग के बारे में देख लीजिएगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए थे किसके ब्लैक होल का स्टडी में और जो बिग बैंग थ्योरी था उसमें। ठीक है, और इनका एक बुक भी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये बुक स्टीफन हॉकिंग का ही है, तो ये याद रख लीजिएगा। बाकी बिग बैंग थ्योरी की जो घटना बोला जाता है वह 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ये सब ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जॉर्ज लेमित्रे याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था। द न्यू बिहार पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, एन के सिंह या फिर सी पी राधाकृष्णन। आंसर सी है, एन के सिंह, नाम तो आप लोग सुने होंगे। देख लीजिएगा एन के सिंह जो है 15वें और वर्तमान जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन पता होगा प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर जो है से केंद्र और राज्यों के बीच में कर के बंटवारा के लिए जो है से फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। तो वर्तमान में जो 15वें जो है अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के वह यही हैं एन के सिंह, नंदकिशोर सिंह इनको बोला जाता है। वित्त आयोग गठन ये सारा चीज़ तो यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, मैं तो बोल दिया पहले ही, यही है केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना है। प्रथम वित्त आयोग, ये क्वेश्चन पूछता है प्रथम कभी भी वर्ड लग गया किसी क्वेश्चन के पहले तो समझिए कोई इंपॉर्टेंट है, के सी नियोगी पहले थे। ठीक है, और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको जेपी से पूछा जाएगा कि कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। ये सब तो आपको बता होगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और सी पी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं। जीएसटी उर्जित पटेल के टाइम में ही लाया गया था ना, ये बात ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल के टाइम में लाया गया था जीएसटी को, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय अरुण जेटली जी थे। श्री कृष्णा समिति का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध, शिक्षा से, बैंकिंग से या फिर तेलंगाना राज्य के गठन से। आंसर इसका डी होगा, तेलंगाना राज्य के गठन से जैसे श्री कृष्णा समिति का जो है संबंध है। यहाँ पे देख लीजिएगा 18 फरवरी 2014 को जो है लोकसभा द्वारा जो है तेलंगाना राज्य गठन था उसका जो है पारित हुआ था लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ 20 फरवरी 2014 को, राष्ट्रपति मंजूरी दिए थे 2014 में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिला 1 मार्च 2014 को, और तेलंगाना राज्य गठन हुआ था 2 जून 2014 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
तेलंगाना का वर्तमान में कैपिटल जो है से हैदराबाद है, और जो आंध्र प्रदेश था उसका कैपिटल जो है से अमरावती को बनाया गया। ठीक है, आंसर इसका सही है, तेलंगाना राज्य गठन से श्री कृष्णा समिति का संबंध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया था, 1992, 1991, 1999 या फिर 2014 में? आंसर इसका जो है से बी है, 1991 में इनको जो है से भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का देखिएगा तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 1954 में जो है से इसको शुरू किया गया था। जो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल है उनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बारादोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ था, तो इसको लीड यही किए थे बारादोली सत्याग्रह को। उस समय डिस्कस किया था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उसके द्वारा 22% जो है टैक्स लगाया गया था, जिसके चलते जो है इसका विरोध में यह आंदोलन हुआ था। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था 1931 में। ये भारत के पहले गृह मंत्री बने थे और प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री ही बने थे। उप प्रधानमंत्री का जो है प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। भारत रत्न इनको 1991 में दिया गया था, और इनको सरदार की उपाधि जो है यही बारादोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा जो है दिया गया था। आंसर इज बी, नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, 2014 में उनको दिया गया था। ठीक है, CN राव के साथ में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं से संबंधित है, 243 के, 243 ZD, 243 P से लेकर 243 ZD या फिर 217 1? आंसर इसका सही है, 243 P से लेकर 243 ZD तक नगर पालिका के बारे में जैसे संविधान में मेंशन है। ठीक है, या देखिए सारा लेटर कैपिटल है ना इसमें, यानी कि संशोधन करके जो है कुछ इसमें डाला गया है, देख लीजिएगा, आपको पता होगा 74वां संविधान संशोधन। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में जब मैं उन्हें वो करंट अफेयर का चीज था, छोड़िए यहाँ पे नहीं, मैं डिस्कस करूंगा। नगर पालिका का जो गठन किया गया था वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, जिसके तहत गठन किया गया था, और नया अनुसूची उस समय जब 73वां संविधान संशोधन ऐड किया गया तो उस समय अनुसूची जो है से 9 ऐड किया गया, और बाद में जब संशोधन किया गया तो इसमें जो है से 9A में जो है से नगर पालिका को रखा गया। यह जो लागू हुआ था अधिनियम वो 1993 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और अनुच्छेद तो डिस्कस कर दिया, 243 P से लेकर 243 ZD तक है, बाकी 243 K आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता है हर एक स्टेट में वो आर्टिकल 243 K के तहत ही होता है। 243 ZD या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करता है, DDC के बारे में, और 243 P से लेकर 243 ZD ये म्यूनिसिपलिटी है, ये देख लीजिएगा, ये तो दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। बाकी 217A है वह जो है हाई कोर्ट का जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वह अनुच्छेद 217A के तहत ही होता है। और अभी कुछ दिन पहले कोलिजन सिस्टम न्यूज में था, तो कोलिजन सिस्टम की जो व्यवस्था किया गया था वह 1993 में किया गया था। आंसर इसका सी है, नगर पालिका के बारे में याद रखिएगा। झारखंड में कुल कितने नगर पालिका है, नगर पालिका नहीं, नगर निगम 9। सारा चीज तो हो चुका है यहां पर, बाकी कुछ एक कमेटी डिस्कस करूंगा। एमएल सिंह भी कोई कमेटी था शायद ना, एलएम सिंह, सॉरी एलएम सिंह भी था, एलएम सिंह भी एक कमेटी था, उसको याद रखिएगा 1996 का। तो ये जो है सही यही पंचायत के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में था ना, कि पंचायत जो है सब पंचायत म्यूनिसिपलिटी का जो गठन किया गया था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर यही समिति था, एलएम सिंघवी कमेटी, 1996 का है, इसको याद रखिएगा, बाद में आपको पता होगा 1992 में ये सब हुआ। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी का कहानी। इनमें से कौन सा कथन जो है से गलत है, संघ सूची में बोला गया है कि 100 विषय है, राज्य सूची में 66 है, समवर्ती सूची में 52 विषय है, और फिर इनमें से सभी कौन है गलत है, तो आंसर इसका जो है से बी होगा, राज्य सूची में जो है ओरिजिनली 66 विषय थे, वर्तमान में जो है से 61 विषय हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, सेवन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो आपको 3 लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कि जो है से एक कंकरेंट लिस्ट है, कुछ कुछ रेसिडरी जो है से सब्जेक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो 100 विषय अभी है, ओरिजिनली इसमें 97 था, राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, पहले यहाँ पे 66 था, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, यह देखिएगा वर्तमान में, और समवर्ती सूची का जो उपबंध है ये जो है हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और DPSP आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, सारा चीज देख लीजिए, सेवन शेड्यूल का यह बात किया जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन विदेश यात्री और उनके मूल निवास स्थान बेमेल है, यानी कि बताना है कौन कौन से जो भारत में यात्री थे विदेशी यात्री वो जो है से उनका प्लेस सही से मैच नहीं है।
अल्बरूनी उज्बेकिस्तान, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का, मोर्कोपोलो इटली, या फिर इबन बतूता ईरान बोला गया। आंसर जो है से डी होगा, इबन बतूता जो है से ईरान के नहीं थे, इबन बतूता जो थे वह मोरक्को के रहने वाले थे। बाकी सारा सही है। अल्बरूनी याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के हैं, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के हैं, मोर्कोपोलो इटली के हैं, इबन बतूता मोरक्को के हैं, और इनके द्वारा जो है से बुक लिखा गया था रिहाला। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रिहाला बुक किसके द्वारा लिखी था, तो इबन बतूता तुगलका डायनेस्टी के टाइम में यह आए थे। और एक बुक है अल्बरूनी का लिखा हुआ किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, तो इनको याद रखेगा अल्बरूनी के द्वारा लिखित बुक है। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा संगम, बाबर और मेदनी राय, या फिर बाबर या फिर मोहम्मद लोदी। तो चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था। आंसर इसका सी हो जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पता होगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था, और इसमें मुगल डायनेस्टी जो है पिक्चर में आया था इंडिया में। बाबर और राणा संगम के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है, बाबर और मेदनी राय। क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है से कम समय में आपको ज्यादा प्रोवाइड कराया जाए। और वीडियो कभी भी देखिए आप लोग, वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो एक चीज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग पास यूट्यूब ऑप्शन होता है, आप लोग या तो 1.25 में या फिर 1.5 में आप लोग जैसे वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं, इससे आपका समय बच जाएगा। और रेगुलर आप लोग देखिएगा ना तो जैसे आप लोग को आदत बन जाएगा, आप लोग की स्पीड नहीं लगेगा। मैं तो कोई वीडियो देखता हूँ उसको 2+ में करके देखता हूँ मूवी छोड़कर। आंसर इसका हो चुका है, सरचित हो चुका था पहले। आंसर इसका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पर। ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य विधायिका की राज्य स्तर पर होते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। या फिर ए और डी सी दोनों जो है से गलत है। कौन कौन सा इसका सही आंसर होना चाहिए, तो आंसर इसका बी है। जब भी देखिएगा तो जब पंचायती राज सिस्टम आया था तो उसका मेन पर्पस क्या था, तो उसका पर्पस था डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण करना। अब यहाँ पे जो है से मेरे पंचायत में जो है से कोई दिक्कत है तो उसको मोदी जी आकर देख पाएंगे, जी नहीं, मोदी जी आकर नहीं देख पाएंगे, स्टेट पर भी वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास 28 एसेट हो जाएगा और इतना बड़ा जैसे अभी 140 करोड़ बात कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या हो चुका है, तो पॉसिबल एक पर्सन के लिए नहीं होता है। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, यानी कि पावर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो कुछ पावर स्टेट को दे दिया गया, स्टेट में भी जो है पावर जो है अब पंचायत को और म्यूनसिपलिटी को दे दिया गया अलग अलग, ठीक है। तो पंचायत में देखिएगा तो यहाँ से स्टेट में बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो ग्राम सभा का पावर है उसका निर्धारण जो है वह केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। ग्राम सभा का जो है पावर खुद का है कि वह जो है लोकल जो संसाधन है उस पर कानून बना सकता है, वो अनून है उस उत्पाद पर कानून बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि ग्राम सभा देख सकती है। और पंचायत के, याद रखिएगा, पंचायत के सभी मतदाता जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। हाँ, इसको देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल इकाई इसको बोला जाता है ना, मूल इकाई बोलिए इसको, तो यानी कि जिस तरह से सेल होता है बॉडी का उस तरह से यह है, मूल इकाई इसको पहला स्तर बोला जाता है। और ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी वयस्क मतदाता होते हैं, यानी कि जिनका 18 वर्ष हो गया वो जैसे ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया, अनुच्छेद 155, 158, 154 या फिर 159। आंसर इसका डी है ना, 159 में जो है राज्यपाल के शपथ का प्रारूप को मेंशन किया गया है। इनको देखिएगा तो आर्टिकल देखिए यहाँ पे 155 है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 5 साल के लिए। राज्यपाल के लिए अर्हताएं यानी कि जो एबिलिटीज होता है वो अनुच्छेद 157 में मेंशन है, और जो शपथ होता है ओथ, ठीक है, वो अनुच्छेद 159 में मेंशन है। ये सब चीज देख लीजिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 29। आंसर इसका डी होगा, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात किया जाता है। अनुच्छेद 30 क्या है, इसी से रिलेटेड है, आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे तो है कि अल्पसंख्यक का जो हित का संरक्षण किया जाता है वो अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और अपना प्रशासन संभालने का अधिकार उनको दिया जाता है। क्योंकि पता होगा 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट है, तो कोई आप में जो है आप लोग किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया में जैसे ये तो अधिकार आपको दे दिया गया है।
ये तो हो चुका है, बाकी सारे ऑप्शंस को क्लियर करता हूँ। 26 में जैसे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि आप लोग अपना धर्म अपने हिसाब से जो है मना सकते हैं, जैसे दीपावली मनाना है मना सकते हैं, जैसे छठ मनाना है मना सकते हैं, जैसे ईद मनाना है आप लोग अपने हिसाब से मना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। और जैसे अनुच्छेद 14 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात किया जाता है, यानी कि जो कानून होता है उसके समक्ष सबको ही बराबर है, ठीक है। और 27 में बोला गया है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता है, ठीक है, कि किसी विशेष धर्म का जो है प्रचार करना है तो वहाँ पे कर का भुगतान किया जा सकता है, वो भी जो है स्वतंत्रता आपको संविधान में दिया गया है। तो आंसर इसका डी है 29, देख लीजिएगा। अल्पसंख्यक के बारे में भारत में बात कीजिएगा तो अल्पसंख्यक समुदाय टोटल 6 है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है, समझ गया कि फिर से बोल दूं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, याद रहेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया था? कहने का मतलब है यहाँ पे जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज किया जाता है उसमें वर्ड हटाकर आर्म्ड रिवेलियन शब्द को जोड़ा गया था, तो उसमें कौन सा जो है संविधान में संशोधन किया गया था? 43वां 77 का है, 38वां 75 का है, 42वां 76 का है, या फिर 44वां 78 का है? आंसर इसका डी है 44वां जो है संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, या देखिएगा 1978 का यह संविधान संशोधन है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा संविधान में जैसे तीन प्रकार का जो है आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी है अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अब इसको जो है प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में मेंशन है, लेकिन भारत में अब तक कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। बाकी कुछ देख लीजिएगा शब्द यहाँ पे, इंटीग्रिटी और जो सेकुलर वर्ड था, दो वर्ड्स क्या हो रहा है, जो दो वर्ड्स था उसको जो है से ऐड किया गया था प्रीएम्बल में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1976 में, और उस समय इतना सारा चेंज किया गया था 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का संज्ञा दिया जाता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस उस टर्म को हटाकर आर्म रिवेलियन जो है से टर्म को लाया गया था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए। और इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा चीज डाला हुआ है, या अगर देखिए आपको जो राइट टू एक्सेस इंटरनेट है ये भी जो है एक फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है ये अधिकार आपको प्राप्त है, इंटरनेट को एक्सेस करने का भी अधिकार कोई पूछ दे तो अनुच्छेद 19 लगा दीजिएगा, ये भी शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कहीं से तो डाल दिया गया इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन एक मायने में और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देखते होंगे कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वह फंडामेंटल राइट था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया था, ठीक है, और अब बस वह लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं भी जैसे जमीन है, यहाँ पे रोड बन रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका जमीन चला गया 6 फीट 7 फीट चला गया तो तुरंत लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को और कोई काम नहीं है, इसको हटाकर जैसे इसको लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और शायद इसको जहां तक याद आ रहा है इसको 300 अनुच्छेद 300 ए में इसको रखा गया था, ठीक है, ए के तहत लीगल राइट बनाया गया है, एक बार इसको ना वेरीफाई कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रीमियर से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, बंधुत्व जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, या फिर संघीय। तो फेडरल जो शब्द है संघीय शब्द वह प्रीएम्बल में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से शब्द हैं, ये तो हो गया कि फेडरल शब्द संघीय शब्द नहीं है, जो वर्ड प्रीएम्बल में मेंशन है ना वो आपको डायरेक्ट जो है ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, तो देख लीजिएगा सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो सेकुलर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही से ऐड किया गया था। कुछ और वर्ड है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आंसर इसका हो गया फेडरल, फेडरल सब प्रस्तावना में नहीं है, प्रीएम्बल जो है से संविधान की तरह से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी कि बच्चों का जो चाइल्ड मैरिज किया जाता था उस पर जो है से लगाम लगाया गया था, तो वह एक्ट जो है से किस वर्ष लागू हुआ था? 1929, 1955, 1976 या फिर 2006? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, पहले पूछा गया है दूसरे एक्ट के नाम से। तो जो अधिनियम है इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हरविलास शारदा थे तो उनके नाम से ही जो है रखा गया था शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट 1929 का है, तो उस समय से लगाया गया था लगाम, ठीक है, पहले छोटे बच्चों, दादी से मैं बात कर रहा था, दादी बोल रही थी कि बहुत छोटा में उसका जो है शादी हो गया था, छोटे छोटे तब शादी हो गया था, बोलते थे कि पहले लाटकुड़ी होता था, शायद किसी को पता हो या ना हो, तो बोलते थे कि लाटकुड़ी चलाते थे बाबा और जो है दादी से पानी मोरा करते थे, जैसे खेत में
में होता है ना इस तरह से, तो पानी में खोला जाता है, जैसे मोड़ा करती थे इधर की किया जाता है ताकि पानी इधर में जा सके, फिर इसको बंद कर दिया जाता है, फिर आगे जाता है। तो बोलती थी कि जब ठंडा लगता था तो रोते थे, तीसरा कुछ कहानी दादी बताती है। तो देख लीजिएगा, पहले जो ऐसे छोटे में ही शादी कर दिया जाता था, तो 1929 में जो ऐसे एक कानून बनाया गया कि आप लोग को जो ऐसे लड़का लड़की को ऐसे शादी नहीं करना है, कम से कम जो ऐसे लड़की को उम्र 14 साल होना चाहिए और लड़का को उम्र 18 साल होना चाहिए, तभी आप लोग को शादी करना है, ठीक है। और ये जो आया था एक्ट बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, वो 28 सितंबर 1929 को आया था और इसको शारदा एक्ट के भी नाम से ही जाना जाता था। बोला था ना हरविलास शारदा के नाम से, तो उन्हीं के नाम से ये एक्ट का नाम रखा गया है। और ये विशेष विवाह अधिनियम बाद में क्या हुआ, अभी ये नहीं है, अभी देखिएगा 14-18 नहीं है, ये चेंज किया गया था। कब किया गया था, 1954 में क्या हुआ, तो विशेष विवाह जो अधिनियम आया उसमें शादी की उम्र में लड़का का 21 कर दिया गया था और लड़की का 18 कर दिया गया था, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 1929 इसका आंसर होगा। चलिए प्रोटीन से क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा आपको। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से भारत प्रवास कर चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत की नागरिकता दिया जा सकता है, अनुच्छेद 7, 6, 8 या फिर 9। आंसर इसका भी अनुच्छेद 6 के तहत जो है नागरिकता दिया जाता है। संविधान में जाइएगा तो आपको देख लीजिएगा जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप मेंशन है ना, सिटीजनशिप जो है से मेंशन है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इसको याद रखिएगा, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है संविधान में। तो अनुच्छेद 6 के तहत जो है ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। आगे ये देख लीजिएगा, भारत में जो है नागरिकता पाने के जो है 5 तरीके हैं, जन्म से, वन से, पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है, प्राधिकरण से मिल सकता है या फिर क्षेत्रों को शामिल करके। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है आगे चल के पाकिस्तान को मिला लिए, ठीक है, तो उसका जो पाकिस्तान का जितना भी नागरिक होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो अनुच्छेद 6 इसका याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज या फिर कोयला। आंसर इसका ये होगा, यूरेनियम जो है से एक रेडियो एक्टिव मेटल है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पादन होता है उसमें जो है यूरेनियम यूज किया जा सकता है, सिंबल इसका यू होता है, ठीक है। जब नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फीजन होता है या फिर फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे फीजन होता है जिसको विखंडन बोलते हैं। सन का जो एनर्जी है और फ्यूजन होता है। एक पॉइंट और देखिएगा, कभी भी आपसे पूछे कि न्यूक्लियर बम जो है से किस पर आधारित है, तो यह जो है से न्यूक्लियर बम फ्यूजन पर आधारित है। और पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम किस पर है, तो वह फ्यूजन पर है, ठीक है। फ्यूजन न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वही जो है से सोर्स है सन के एनर्जी का, ठीक है। यूरेनियम इसका आंसर हो चुका है, सच तो यहाँ पे लिखा हुआ था। असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, माजुली, डिब्रूगढ़, ऑप्शन 2 हो गया यहाँ पे, इसको कुछ और कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया जाएगा, तो माजुली हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, उसके बाद तिनसुकिया हो गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, माजुली। माजुली का जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिएगा तो जो असम की सांस्कृतिक राजधानी जो है क्या हुआ है, ये माजुली होगा या जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, इसको देख लीजिएगा। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर यानी कि सांगपो नदी में बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये चीन की तो तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर और सबसे पहले जो है से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, माजुली, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है, असम की सांस्कृतिक राजधानी है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, ठीक है। जो प्रशासनिक राजधानी है वह कौन सा है, प्रशासनिक राजधानी रांची है और इसका औद्योगिक राजधानी झारखंड का जमशेदपुर है, ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक किस राज्य में है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। आंसर इसका सही है, मध्य प्रदेश में बोला जा रहा था 2011 में जब जनगणना हुआ था, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि ST पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना, 15.31 मिलियन जो है से जो है से जनजाति यहाँ पे है, ठीक है, मिलियन मतलब 10 लाख, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 46 जो है अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और झारखंड में तो पता होगा 32 जो है जनजातियाँ हैं, इसमें एक जनजाति को अनुसूचित किया गया है जिसका नाम है माइंड सुधर गया, पुरान जनजाति, हाँ
33वीं जनजाति है झारखंड की, जिसको अधिसूचित किया गया पुरान जनजाति को। अब जब मान्यता इसको दे दिया जाएगा तब जो है सही 33वीं जनजाति हो जाएगा। तो पुरान जनजाति झारखंड की 33वीं अधिसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देखिएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है अनुच्छेद 342 के तहत। ये सारा चीज देख लीजिएगा, आंसर इसका सही है। जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो है ज्यादा है। इनमें से किसे समुद्री वर्षा वन यानी कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस कहा जाता है? प्रवाल कोरल्स को, जो महासागरीय निक्षेप होता है यानी कि ओशियन डिपॉजिट्स, ज्वारभाटा टाइड्स को, या फिर महासागरीय धारा यानी कि ओशियन करेंट्स को। आंसर इसका ए है, प्रवाल्स को जो है समुद्री वर्षा वन कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, इसको देख लीजिएगा। ये तो हो चुका है। बाकी कोरल से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है वह कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक कोरल रीफ है जिसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, इसको ध्यान रखिएगा। रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन कोरल्स को कहा जाता है, इसको देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मार्केट श्रेणी है रेंज, वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता या फिर लौह अयस्क। आंसर इसका डी है, लौह अयस्क के लिए जैसे मार्केट श्रेणी प्रसिद्ध है। लोहा देखिएगा तो टोटल चार प्रकार का होता है, ठीक है, हेमेटाइट होता है, मैटाइट होता है, सिडराइट होता है और लिमोनाइट होता है। सबसे अधिक लोहा आपको, लोहा आपको यानी कंटेंट जो होता है वो आपको मिलेगा हेमेटाइट में। जिस तरह से सबसे अधिक कोयला में कार्बन का परसेंटेज किसमें होता है? तो वह एंथ्रासाइट में होता है। उसी तरह सबसे अधिक देखिएगा तो आयरन का परसेंटेज आपको हेमेटाइट और में मिलेगा। टोटल चार होता है, हेमेटाइट, मैटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट, ठीक है। आयरन और जो है से आपको मिलेगा, जो श्रेणी है मैक्रो रेंज वह यूएसए मिलेगा ना। झारखंड लोहे के भंडार में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, उत्पादन में तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर होगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? उधवा झील, बैकाल झील, चिल्का झील और फिर लोकटक झील। आंसर इसका सही होगा, चिल्का जो लेक है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। लैगून आखिर कैसे बनता है इसको ना इमेज पहले देख लीजिए। देखिएगा अगर कोई खारा पानी है, समुद्र का पानी है, तो उसमें अगर रेत से अगर रेत अगर उठ गया, इधर से रेत उठा हुआ है कहीं से पानी इधर से जाकर, और इस तरह से पानी अगर भर जाता है तो इस तरह चीज़ को लैगून बन जाता है। यानी कि एक बीच का जगह इधर और कहीं से समुद्र का पानी जो है से आगे बढ़कर जो है से इसमें पहुंच जाता है, तो इस तरह से लैगून का निर्माण होता है। तो चिल्का लेक के बारे में देख लीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है और एशिया का सबसे बड़ा लैगून है चिल्का लेक। उड़ीसा में यह पड़ता है और इसको रामसर साइट जो है घोषित किया गया था 1981 में, और भारत का यह पहला जो है रामसर साइट है, इसको ध्यान रखिएगा। केवलाडीह भी उस समय जो है पहला रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। केवलाडीह राष्ट्रीय उद्यान को पता होगा, भरतपुर जैसे बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, राजस्थान में है। टोटल रामसर साइट भारत में कितने हैं? तो 75 है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वह जो है तमिलनाडु में है 14, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है वह जो है यूके में है। रामसर साइट आखिर होता क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में हुआ था, तो उसमें जो है बोला गया कि हम लोग का जो नम भूमि होता है यानी कि जो आर्द्र भूमि होता है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जमीन में सोचिए कि अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या क्या खत्म हो सकता है, फ्लोरा और फाउना पर जो है एडवर्सली इफेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो नम भूमि है, ठीक है, उसको जो है प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर स्थान पे, इसीलिए जो है इसको रामसर जो है कन्वेंशन बोला जाता है। 1971 में हुआ था। आंसर इसका सही होगा, चिल्का लेक। उधवा तो पता होगा झारखंड में है, उधवा झील, इसको झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, साहेबगंज में है। बैकाल जो है रूस में देखने को मिलेगा, सबसे गहरा झील बोला जाता है। और लोकटक तो आपको पता होगा, ये जो है मणिपुर में है। इनमें से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? ओसाका, रोटरडम, शंघाई या फिर सिंगापुर। आंसर इसका भी है, रोटरडम जो है एशिया में लोकेटेड या नहीं है, या नीदरलैंड में है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यूरोप, यूरोप में है, तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह इसको बोला जाता है रोटरडम में, ठीक है, नीदरलैंड में यह लोकेटेड है। आंसर इसका बी है। अभी आपको पता होगा झारखंड में एशियन वीमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है FIH का वर्ल्ड रैंकिंग, वीमेन्स जो टीम है उसका जो है हॉकी का टीम का रैंकिंग तैयार किया गया था, तो उसमें नीदरलैंड अभी टॉप है ना। महिला हॉकी टीम में देखिएगा तो विश्व में नंबर एक टीम जो है नीदरलैंड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारतीय जो टीम है हॉकी खिलाड़ी महिला वाला वह छठे स्थान पर है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक लिस्ट यहाँ पे है, बुशमैन है, पिग्मी है, स्क्यूमो है और फिर गोंड है। तो गोंड तो आपको पता होगा, ये तो चला जाएगा डी, गोंड तो भारत का है, तो डी का वन, तो दो ऑप्शन तो आपका कट चुका है, बाकी आगे देख लीजिए। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है पाया जाता है आपको
नामीबिया में। आंसर इसका ए का हो जाएगा जी। उसके बाद पिग्मी जाति कहाँ पाए जाते हैं, तो पिग्मी पाए जाते हैं जायरे में, इसका सी हो जाएगा। इस्किमो जैसे अलास्का वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, तो सी का टू हो जाएगा आंसर इसका, देख लीजिएगा। हाँ, A4B3C2 आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। या देख लीजिएगा, डायरेक्ट जो हिसाब से क्वेश्चन पूछ देता है कि बुशमैन कहाँ पाया जाता है, नामीबिया में, पिग्मी जो है से जायरे में पाया जाता है, और उसके बाद इस्किमो अलास्का रीजन में, और गोंड जो है से भारत में पाए जाते हैं। गोंड देखिएगा तो भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है बोल सकते हैं, और ये जो है से सबसे बड़ी जनजाति बोला जाता है भील को, 2011 का सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर पेरियार। चार ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक, केवल एक दो तीन, केवल दो तीन चार, या फिर एक दो तीन चार, सारा का सारा। आंसर जो इसका होगा वह बी होगा ना, पेरियार रिवर जो है से पूर्व की ओर नहीं बहती, ये पश्चिमी, ये तो निकलती है पश्चिमी घाट से, लेकिन ये पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी की ओर बहती है, यानी अरब सागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी में नहीं जाती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल एक दो और तीन। देखिए, जब पश्चिमी घाट के बारे में कभी भी बात करते हैं तो छह टोटल ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर पश्चिमी घाट गुजरती है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरला है, ये सब याद रखेगा। और दुनिया में टोटल 8 हॉटस्पॉट हैं, देख लीजिए, हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है, तो जो जीवों के लेकर, प्रजाति से लेकर काफ़ी ज़्यादा जीव मतलब वहाँ पाए जाते हैं उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको हॉटस्पॉट में रखा गया है। विश्व के कुल 8 हॉटस्पॉटों में से यह एक है। बाकी पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम को बहने वाली नदी है पेरियार है, मांडवी है और नेत्रावती है, तो पेरियार इसीलिए आंसर हो गया, यह पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व की ओर नहीं बहती है। और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ में गोदावरी देख लीजिएगा, कृष्णा है, उसके बाद कावेरी है, भीमा है, मालप्रभा, घाट प्रभा, हिमावती, ये सब नदियाँ हैं। और पश्चिमी घाट आपको पता होगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2012 में जो इसको घोषित किया गया था। और नीलगिरी माउंटेन के बारे में सुने होंगे आप लोग, 1996 में जिसको घोषित किया गया था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ वह जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो इसको देख लीजिएगा आंसर इसका भी होगा, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है, सॉरी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसका सबसे ऊंचा चोटी है पश्चिमी घाट का, जिसको डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और डोडा बेटा सिर्फ पश्चिमी घाट का नहीं, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा चोटी भी है, इसको याद रखिएगा। तो दक्षिणी भारत का एवरेस्ट भी इसको कहा जाता है, 2695 मीटर इसका हाइट है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से। एमएस एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, टैब प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर या फिर शिफ्ट प्लस इंटर। आंसर इसका भी होगा, इसमें ऐसे होता है, तो इसमें है, इसमें दूसरा लाइन आपको शुरू करना है इस तरह से, तो आपको अल्ट प्लस इंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है, एमएस एक्सेल, ठीक है, जो कि बताया था कि एक जो है डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, डेटा कैलकुलेट करना है, ये सब जो है से इसी में होता है। तो अल्ट प्लस इंटर हो चुका है, F2 जो है से एडिट करने के लिए, एक्टिव सेल में को एडिट करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस होम जो होता है वो अगर सेल वन है, A1 क्या होता है, सेल वन का ये एड्रेस है, ठीक है, तो सेल वन में मूव करने के लिए जो है से आपको कंट्रोल प्लस होम दबाना होगा, और अगर कंट्रोल प्लस एंड दबा दीजिएगा तो अंतिम में पहुंच जाइएगा, ठीक है, अंतिम सेल में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है, राइट, प्रेसाइज, जस्टिफाई, सेंटर या फिर लेफ्ट। आंसर बी है, जो बी है से प्रेसाइज जो है से एक तरह का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है, बाकी चारों के चारों जो है से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, लेफ्ट होता है, उसके बाद सेंटर होता है, राइट होता है, और यहाँ पे फुल है, इसको सेंटर अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है ना, फुल लिखा हुआ है लेकिन सेंटर, सेंटर तो लिखा हुआ है, इसको जस्टिफाई बोला जाता है, ठीक है, इसको जस्टिफाई, फुल लिखा हुआ है लेकिन इसको जस्टिफाई बोला जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, चारों का शॉर्टकट की भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, फुल जे लिखा हुआ है तभी तो कन्फ्यूज हो रहा था। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल है, ईजी है, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर है, और इसमें जो जस्टिफाई होता है फुल भी कभी कभी लिख देता है क्योंकि यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन फंसता हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट, तो सेंटर जो अलाइनमेंट होता है उसके लिए कंट्रोल प्लस सी यूज नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में, यानी कि जब इस तरह से कीजिएगा तो आपको ना टेक्स्ट इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, पैराग्राफ करके देखिए जरा लैपटॉप है तो।
डायनेमिक पैकेट फिल्टर चौथी पीढ़ी के फायरवॉल है जो डैश पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर टीसीपी या फिर यूडीपी या फिर टीसीपी यूडीपी। तो देखिए फायरवॉल क्या होता है, तो एक इंटरनेट जो आप लोग यूज करते हैं तो उसके लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं उस पर कोई अटैक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है, लेकिन अगर फायरवॉल लगाया हुआ है तो फिर कोई अटैक नहीं कर सकता है। कहने मतलब इसके बीच दीवार लग गया है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन और इसके बीच दीवार है, तो आपका जो भी डिवाइस यहाँ पे है वो जो इंटरनेट कनेक्शन वो फिल्टर होकर आएगा, कोई भी अनाधिकृत जो प्रवेश है वह नहीं कर पाएगा, ठीक है, साइबर अटैक नहीं हो पाएगा। तो जो काम करता है वह टीसीपी यूडीपी दोनों जैसे स्तर पर कार्य करता है, इसको देख लीजिएगा। ये जो डायनेमिक पैकेट फिल्टर है वो टीसीपी यूडीपी दोनों पर काम करता है। प्रोटोकॉल कौन कौन सी यूज़ है देख लीजिएगा, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इस पर कार्य करता है। यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों यहाँ पे प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। तो टीसीपी यूडीपी दोनों हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का जो पैकेट फिल्टर है उसके बारे में, फायरवॉल के बारे में बात कीजिए, डायनेमिक पैकेट फिल्टर चौथी पीढ़ी का फायरवॉल में। इनमें से कौन ईमेल सेवा प्रदाता के उदाहरण है, आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स या फिर ऑल ऑफ दिस? आंसर इसका डी है, आउटलुक और जीमेल तो आप लोग सुने पता होगा, जीमेल तो सबको पता होगा, आउटलुक भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और यांडेक्स भी जो है से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये भी जो है ईमेल आपको प्रोवाइड कराता है। ईमेल देख लीजिएगा, आउटलुक और जीमेल सब होता है, सब कुछ प्रोवाइड कराता है। ईमेल को जो इन्वेंट किया गया था वो रॉयल कमीशन के द्वारा किया गया था 1971 में, लेकिन इसका जो वास्तविक बोला जाता है कि जो आविष्कार किए थे वो उनका नाम है शिवा अधुराई, ठीक है, यह भारत के ही पर्सनैलिटी थे। बाकी ईमेल जो ऐसे जो यूज करता है वो दो तरह का प्रोटोकॉल यूज करता है, एक POP3 और एक SMTP प्रोटोकॉल यूज करता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है और SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ईमेल को जब सेंड किया जाता है तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है और रिसीव करने के लिए जो है POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो POP और SMTP याद रखिएगा, POP मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। बिजली बंद होने पर डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी बिना के बिना जो है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन हो सकता है, या फिर यह जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है, यही तो गड़बड़ बात है, यह वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल मतलब होता है उड़ जाता है, पेट्रोल जैसा खत्म हो जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ डेटा उड़ता नहीं है। कंप्यूटर का लाइट भी चला जाएगा, बंद कर दिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जो है स्टोर रहता है, खत्म नहीं होता है। तो ये वोलाटाइल नहीं है, यह जो है एक नॉन वोलाटाइल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, वोलाटाइल यह नहीं है। बाकी सारा चीज सही है, बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। बिजली बंद होने के बाद भी डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है और जो है एक और कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के कंप्यूटर रन कर सकता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बिना यह नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023, अभी कुछ क्वेश्चन कुछ कंटेंट अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आठ से दस मिनट आप लोग ना बढ़ा लीजिए, अगर कंटेंट अगर कंटिन्यू किए होंगे रेगुलर तो आप लोग आठ से दस मिनट वीडियो आप लोग बढ़ा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन इससे करते हैं, हाल ही में संपन्न महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग या फिर निकी प्रधान? आंसर इसका यह है, सलीमा टेटे को जो है से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, याद रख लीजिएगा। ये जो तीन प्लेयर है, संगीता कुमारी, उसका सलीमा टेटे और एक है निकी प्रधान, तीनों जो है से इस इवेंट में भाग ली थी, ठीक है, एशियन जो वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ उसमें, ठीक है। बाकी ब्यूटी डुंगडुंग भी जो है से हॉकी के प्लेयर हैं, झारखंड से ही हैं, ठीक है, ये भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी करगा गुड़ी सिमडेगा से हैं और निकी प्रधान खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, हेसलगांव से। महिला हॉकी का नर्सरी झारखंड को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। बाकी अगले वर्ष जो है से 13 से लेकर 21 जनवरी तक हॉकी का क्वालिफायर मैच जो है रांची में होने वाला है, ये भी देखिएगा, ये सब रिलेटेड न्यूज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस पर मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से तीन टीम जो है से पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। किसमें से? तो भारत रहेगा, जर्मनी रहेगा, न्यूजीलैंड, उसके बाद जापान, चिली, अमेरिका और चेक रिपब्लिक। तो ये छह टीम में से तीन टीम को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता इंडिया, जापान को जो है फाइनल में हराया गया था, ठीक है, जापान जीता सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल जीता गया था चाइना के द्वारा, तीनों को तीनों याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीमा टेटे रही थी और राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही संगीता कुमारी और भारत की ओर से सबसे अधिक गोल जो है यही की थी, टोटल छह गोल जो है टूर्नामेंट में की थी, आंसर ये हो जाएगा सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 किस वर्ष के अधिनियम को जो है संशोधित करेगा, ये झारखंड कंटेंट में आपको हेल्प करेगा, 2015, 16, 17 या 18। तो जीएसटी जिसमें लाया गया था इसको गुड्स और सर्विस टैक्स भी बोला जाता है, माल मतलब सामान वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो 2017 में जो है संशोधन 2017 के अधिनियम को यह जो है संशोधित करने वाला है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको झारखंड माल सेवा कर संशोधन अधिनियम 2023, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को ये संशोधित करेगा। झारखंड अधिनियम 12 2017 में संशोधन यहाँ पे किया जाएगा। कुछ देख लीजिएगा, भारत में जो GST लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, और GST का हम लोग जो प्रबंध लिए हैं वो बंद लिए हैं, ये बोलिए कि जहाँ से एडोप्ट किए हैं वो कनाडा से लिए हैं, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और विजय केलकर समिति, यह देखिएगा, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह GST को लाया गया था। GST को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जो है लागू किया गया, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी GST जो है 122वां संविधान संशोधन बिल था, और एक जब बना था तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल अभी गोवा में चल रहा था। देख लीजिएगा, व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीती, रांची निवासी दीपिका कुमारी ओलंपिक में 3 बार जो है देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी व्यक्तिगत स्पर्धा में तो संगीता कुमारी को यह हराई थी। बाकी मिक्स रिकर्व में मृणाल चौहान के साथ जो है यह गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि इस वर्ष जो है 2 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया था। बाकी महिला रिकर्व टीम में शामिल होकर रजत पदक भी जीती थी, तो 3 मेडल हो गया। राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया था लगोरी, ठीक है, लगोरी गेम था वह राष्ट्रीय खेल में। 37वां राष्ट्रीय खेल में कुल 43 गेम था, तो उसको जो है शामिल किया गया था लगोरी को, और झारखंड इस इवेंट में जो है इस गेम में बोलिए कांस्य पदक जीता इस वर्ष, ठीक है, याद रखें। कंटेंट आप लोग जाकर देख लीजिएगा, 18 चीज डिस्कस में कर चुका हूँ, यहाँ भी आपको सारा चीज मिल जाएगा। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते? 15, 20, 25 या फिर 30? कुल मेडल झारखंड का 25 था, और इसमें देखिएगा तो 20वां स्थान झारखंड का रहा था। यहाँ पे देख लीजिएगा, कुल पदक ऐसे 25 है, 6 स्वर्ण जीता गया, स्वर्ण की संख्या यानी गोल्ड और टोटल ये दोनों याद रखिएगा, रजत यानी कि सिल्वर 5 है, और जो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है 14 है। इस खेल में ये सब सारा लिखा हुआ है, तो 43 खेल था जिसमें झारखंड 26 खेलों में पार्टिसिपेट किया था, और पदक तालिका में हमारा स्थान 20वां रहा था। स्वर्ण पदक कौन कौन से जीते थे देख लीजिएगा, सुनील बहादुर और छोटी कुमार लॉन बॉल में जीते थे दोनों व्यक्तिगत, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद दीपिका कुमार जीती व्यक्तिगत, तो एक यहाँ पे हो गया। इसके बाद दीपिका कुमार और मृणाल चौहान जीते मिक्स्ड में, तो एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद सुनील बहादुर दिनेश कुमार युगल लॉन बॉल में जीते, तो एक यहाँ पे हो गया। और उसके बाद दिनेश कुमार, प्रिंस कुमार महतो, मोहम्मद वसीम, अकरम, कृष्णा खलखो ये सब लॉन बॉल फोर्स में जीते, तो एक यहाँ पे हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 जो है गोल्ड भारत झारखंड के द्वारा जीता गया इस इवेंट में। 36वां खेल कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। झारखंड का कुल मेडल जीता जो है 36वां खेल गुजरात में हुआ था ना, प्रीवियस ईयर भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो 36वां खेल गुजरात में हुआ, झारखंड का कुल मेडल था 13 उस समय, तो 13 में क्या गया था, 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज था, 18वां स्थान उस समय रहा था, इस वर्ष 20वां है। बाकी यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें टॉप कौन किया, तो टॉप महाराष्ट्र किया, ठीक है, 200 आंकड़ा पार करने वाला पहला ये स्टेट बना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसके द्वारा 80 गोल्ड, रजत 69 और कांस्य 79 जीता गया। टोटल कितना जीता और गोल्ड कितना जीता गया इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, टॉप कौन किया ये भी याद रखिएगा। और महाराष्ट्र को देखिएगा तो जो राजा भालेंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी है इसके महाराष्ट्र को ही दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। दूसरा स्थान पर सेना का रहा था, 126 मेडल जीता गया। और यहाँ पे देखिएगा तो 2007 से जो मेडल टैली था राष्ट्रीय गेम में वो टॉप सेना पे था, यानी कि अलग अलग सर्विसेज आते हैं, लेकिन 2007 के बाद पहला बार जैसे महाराष्ट्र जैसे टॉपर बना है, यानी जीत का उन लोग का जो स्टिक था लय उसको तोड़ दिया गया इस वर्ष। गेम कहाँ हुआ 37वां, तो हुआ गोवा में, तो गोवा का स्थान जो है नावा रहा था। टोटल 92 मेडल इसके द्वारा जीता गया था, 27 गोल्ड 27 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा था, और आगामी जो राष्ट्रीय खेल होगा 38वां वह उत्तराखंड में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक चिली में होने वाले FIA जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड के कितनी खिलाड़ियां शामिल हैं? इसमें झारखंड की कुल 3 खिलाड़ी हैं। चिली में यह इवेंट होने वाला है FIA जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, और झारखंड की 3 प्लेयर हैं, रोपनी कुमारी, महिमा टेटी और दीपिका सोरेंग, देख लीजिएगा। और भारत का पहला जो है ऐसे मुकाबला होगा कनाडा के साथ, पुलसी में इसको रखा गया है, आंसर इसका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 26.2%, 12.08%, 19.12% नहीं बोल सकते, 1-2% और या फिर 6.33%। सही आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, 26.2% होगा, यही गलती करते हैं आप लोग।
क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ पे अनुसूचित जाति है, ना कि अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी जो है से पूछा गया, एसटी पूछता ना तब इसका आंसर जो होता है ए वाला होता, ठीक है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, आंसर इसका बी होगा। 12.08% झारखंड में एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सारा देख लीजिए, झारखंड में एससी 12.08% है, एसटी 26.2%, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में अल्पसंख्यक जो है से 19.12% है, और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो है इसको वन करना था, ऑप्शन करना था, 16.33% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? 14वां। एरिया वाइज हम लोग 15वां स्थान पर हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला जिला कोडरमा है। 2001 से 11 तक सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि यहीं पर हुआ था, 43.42% हुआ था। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ था झारखंड में वह 1981 से 91 में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, 24% उस समय जनसंख्या बढ़ा था, जो कि 10 वर्षीय जो जनसंख्या वृद्धि होता है उसमें सबसे ज़्यादा था इस साल 81 से लेकर 91 तक। 12.08 इसका आंसर होगा ना। पलामू का किला किस नदी के तट पर बसा हुआ? उत्तरी कोयल, सोन नदी, औरंगा या फिर अमानत? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगा। तो औरंगा नदी के तट पर जो है पलामू का किला अवस्थित है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। औरंगा और अमानत दोनों जो है नॉर्थ कोयल रिवर के जो है सहायक है, ठीक है, इसको ये दोनों जो है नॉर्थ कोयल रिवर की सहायक नदी है। बाकी पलामू का किला को लोकली जो है चलानी के किला के नाम से जाना जाता है। प्रताप राय के द्वारा पुराना किला बनाया गया था, और जो नया किला उसका निर्माण मेदी राय के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे एक विशाल दरवाजा है जो कि द्वैसा से लाया गया था, तो उसको नागपुर का दरवाजा कहते हैं। झारखंड में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 95%, 30%, 80% या फिर 45%? तो कहीं कहीं आंसर आपको ना 76% ही मिल जाएगा, 75% या फिर 75 से लेकर 80% भी कहीं के डेटा मिल जाता है। तो झारखंड में लगभग 75 या 76 बोलिए से लेकर 80% तक लोग कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर जो है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर में बात कर रहा था ना, तो जैसे यह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और झारखंड में कुल जो कृषि योग्य भूमि है वह 38 लाख हेक्टेयर है, ये बात ध्यान रखिएगा। 79,714 कभी कभी 16 भी मिल जाएगा, उतना किलोमीटर स्क्वायर जो है जियोग्राफिकल एरिया है, या फिर इसको 79.70 लाख हेक्टेयर भी बोला जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना जैसे झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें 38 लाख हेक्टेयर पर जो है खेती किया जाता है, कृषि योग्य भूमि है। इनमें से कौन सा त्यौहार सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है? शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सोहराई या फिर पोंगल? आंसर तो इसका सी है, सोहराई त्यौहार सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड मनाया जाता है। और ए जो है से दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि आज। तो आज जो त्यौहार है वह सोहराई त्यौहार है, और यह पशुओं का त्यौहार होता है। तो झारखंड में जो है से एक हो गया सोहराई और एक वंदना फेस्टिवल, ठीक है ना। तो वंदना फेस्टिवल है वो भी जो है से पशुओं का त्यौहार ही है, तो देख लीजिएगा दोनों को, सोहराई और वंदना दोनों पशुओं का त्यौहार है। और ये जो है से दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, और ये सोहराई सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों के द्वारा या समुदाय भी ऑप्शन में मिल जाएगा के द्वारा जो है किया जाता है? शिल्पकार, डोकरा, चिकनकारी या फिर अजुलेजो? आंसर इसका जो है डोकरा। तो डोकरा आर्ट जो किया जाता है वो मल्हार और तंत्री समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा डोकरा आर्ट के बारे में। और इसको शिल्पकार जनजाति के रूप में जाना जाता है, झारखंड में मल्हार जो तंत्री समुदाय है उसको शिल्पकार जनजाति के रूप में जाना जाता है। और डोकरा आर्ट में जो है जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको याद रखिएगा, लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज किया जाता है, ठीक है, डोकरा आर्ट के लिए। चिकनकारी मुगल डायनेस्टिक काल में शुरू हुआ था ना, ये सब देखिएगा तो कपड़ों पर कढ़ाई किया जाता है चिकनकारी। अजुलेजो देखिएगा तो ये सब पत्थर को थोड़ा सा ना मतलब किया जाता है, चिकना किया जाता है, उस तरह का कुछ ये होता है अजुलेजो। पुर्तगाली किस वर्ष पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे? ये क्वेश्चन जेएसएससी एस्टेनो में पूछा गया था। 1716, 1515, 1605 या फिर 1505? आंसर इसका डी है, 1505 में जो है से पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेसिस पर भी आप लोग इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। 1498 में भारत में कालीकट केरला में कौन आए थे? वास्को डी गामा। तो 1498 आए थे, और अड़ोस पड़ोस है श्रीलंका, तो वहाँ पे व्यापार के सिलसिले में जो है 1505 में वहाँ पे जो है इन लोग रुक किए थे। देख लीजिएगा पुर्तगालियों ने 1505 में श्रीलंका पहुंचे और कोटे साम्राज्य के साथ जो है व्यापार किए थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत में पहली बार जो पुर्तगाली का आगमन हुआ था वो 1498 में हुआ था कालीकट, जो कि केरला में है। भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? टकिन, फेनेक लोमड़ी, काराबाग घोड़ा या फिर बिजोन? आंसर इसका यह टकिन जो है से एक भूटान का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है टकिन भूटान का। भूटान के बारे में देख लीजिएगा, ये तो हो गया राष्ट्रीय पशु। उसके बाद इसको बर्डोकर्स टैक्सी कलर के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। मुद्रा यहाँ पे नेगुलट्रम चलता है, भाषा यहाँ पे जोंखा है,
जोंखा भी जैसे स्टोन में क्वेश्चन पूछा चुका है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो जोंखा है। और भूटान को द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, भूटान को जो है से भारतीय कितने राज्य जो है से टच करते हैं। नेपाल में 2015 में आए भूकंप के बाद भारत ने मानवीय राहत ऑपरेशन को क्या नाम दिया, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन मतरी। आज ना वर्ड फंस रहा है, थोड़ा जल ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑपरेशन मैत्री जो है 2015 में चलाया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुआ था नेपाल में उस समय। अभी हाल ही में भी फिर नेपाल में तूफान आया था। कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था कारगिल युद्ध के समय 1999 में, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1994 में, ठीक है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर हम लोग जो है नियंत्रण किए थे उस टाइम। ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन से भारतीयों को निकालने के लिए 2015 में चलाया गया था। और ऑपरेशन मैत्री बताया कि ये जैसे नेपाल में जो भूकंप से राहत के लिए जो है भारत के द्वारा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री। और हम लोग भारत के साथ जो है सॉरी नेपाल के साथ जो है भारत एक एक्सरसाइज करता है जिसको बोलते हैं सूर्य किरण ना, तो सूर्य किरण को याद रखिएगा, नेपाल के साथ है। और भारत नेपाल पीस ट्रीटी साइन हुआ था 1950 में, इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी। आप लोग नेपाल बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है, आंसर इसका डी है। यही क्वेश्चन है, लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आंसर इसका डी होगा। वर्तमान में देखिएगा, पहले क्वेश्चन आया था तो मैं इसको अभी के रेस्पेक्ट में डाल दिया हूं। तो झारखंड जैसे लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान पर है, उड़ीसा के बाद, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बाद झारखंड चौथे स्थान पर है। कन्फ्यूज यहाँ पे मत कीजिएगा, झारखंड जो है लौह अयस्क के भंडार में जो है नंबर टू पे है। कोयला है, कोल उसमें नंबर वन है। आयरन ओर के बारे में बात कीजिएगा तो नंबर टू पे है। उसके बाद कॉपर ओर के बारे में बात किया जाता है, सी थ्री बताया था आपको, तो तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट में हम लोग जो है सातवें स्थान पर है। ये सब रिजर्व के बारे में बात किया जा रहा है, भंडार में, ठीक है, उत्पादन में नहीं। उत्पादन में जैसे टाइम टू टाइम जो है ए स्टेट ओ स्टेट जो है आगे पीछे होता रहता है। आंसर इसका यहाँ पे डी हो जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था, ये भी एस्टोनियन में क्वेश्चन पूछा गया था। 16 मार्च 2007 को, 5 फरवरी 2011 को, 12 अप्रैल 2001 को या फिर 24 जनवरी 2003 को। सही आंसर इसका सी है, 12 अप्रैल 2001 को जो है से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर किया गया था। ठीक है, किसके तहत, तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का उसके तहत जो है इसको रजिस्टर किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रांची में है। ये स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा परियोजना परिषद आप देख सकते हैं। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है ना, याद रखिएगा, इसको डालना था लेकिन मैं भूल गया। झारखंड के कुछ कुछ मुख्यमंत्री हैं, इनको आपको कालानुकरण जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद कौन आए थे, अर्जुन मुंडा आए थे, उसके बाद कौन आए थे, शिबू सोरेन आए, उसके बाद कौन आए थे, शिबू सोरेन के बाद आए थे आपके मधु कोड़ा आए थे, ठीक है, मधु कोड़ा के बाद कौन आए, ये आपके हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद कौन आए थे, रघुवर दास। इतना ही पर्सन अब तक आए हैं, हेमंत सोरेन जैसे रघुवर दास से पहले आए थे, इनका अपॉइंटमेंट अगली बार जो हुआ है वो रघुवर दास के बाद हुआ है, लेकिन ये काउंट किए जाएंगे नंबर फाइव ही। तो देख लीजिएगा, बाबूलाल मरांडी तो यहाँ पे है नहीं, अर्जुन मुंडा काउंट कीजिए, देखिए सबसे पहले तो एक ही ऑप्शन में अर्जुन मुंडा है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पे। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, उसके बाद मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन और रघुवर दास, हो गया, तो आंसर इसका बी है। बहुत लोग सोचेंगे कि रघुवर दास के बाद जो है हेमंत सोरेन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हेमंत सोरेन पहले आए थे, ठीक है, पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दूसरी बार इनका अपॉइंटमेंट है। पहले जब थे तो वह दुमका सीट से थे, ठीक है, और अभी जो है ये बरहेट से हैं, हेमंत सोरेन वर्तमान में बरहेट से हैं जो कि साहिबगंज में है। श्रीलंका का मुद्रा कोड क्या है, करेंसी कोड आपसे पूछा गया है, SRD है, उसके बाद LKR है, INR है या फिर SYP है। INR तो समझ में आ चुका होगा आपको, इसका आंसर होता है इसका आंसर होगा बी, LKR यानी कि लंकन रुपये इसको बोला जाता है, LKR। SRD होता है सूरीनाम डॉलर, उसके बाद INR इंडियन रुपये होता है, और SYP होता है सीरियन पाउंड, सीरिया में जो है करेंसी पाउंड चलता है, तो इसको देख लीजिएगा, सारा का करेंसी कोड है, ठीक है, तो लंकन रुपी कम से कम सारा आप लोग याद नहीं कीजिएगा, तो आस पड़ोस जो आपके स्टेट हैं कंट्री हैं उसका कम से कम करेंसी कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है,
लंकन रूपी होता है ना, सिर्फ लंकन रूपी SLR नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, LKR होता है लंकन रूपी। किस पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी या फिर राजगिरी पहाड़ी? आंसर इसका बी है, ठीक है, टैगोर पहाड़ी। या रविंद्रनाथ के बड़े भैया थे जतेंद्रनाथ, उनसे रिलेटेड यह टैगोर पहाड़ी है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मोराबादी या रांची में है, इसको टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सुवर्णरेखा नदी को किस प्रकार का ऑक्सीजन जैसे प्रदूषित कर रहा है, थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू या फिर जैव निम्नीकरण? आंसर इसका बी है, थर्मल मतलब होता है ना हीट से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी यहाँ पे जा रहा है पानी में, इसका आंसर ना बी होगा, रेडियोधर्मी, यानी कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वही जैसे सुवर्णरेखा को नदी को प्रदूषित कर रहा है। इसके पीछे का रीजन समझिए, सुवर्णरेखा नदी जो है ऐसा स्थान से गुजरती है जहाँ पर जैसे यूरेनियम और कॉपर का जो है खाना है, यूरेनियम तो पता होगा ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, कुछ देर पहले डिस्कस किया था, इसी चलते जो है इसमें रेडियोधर्मी जो है अपशिष्ट मिल जाता है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। नदी उस तरह से जैसे उस तरह के खानों के क्षेत्रों से निकलती है जहाँ पर जैसे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, और बैड तरीके से अगर खनन किया जाता है, अगर किसी तरह से प्रवाहित कर रहे हैं गंदगी उसमें, तो ऑब्वियस ही बात है ये पोल्यूट तो हो ही जाएगा। आंसर इसका भी है, किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदर कहते हैं, बथुड़ी, बेदिया, असुर या फिर कोल? आंसर इसका भी है, बेदिया जनजाति के लोग जो है वो ग्राम के प्रधान को ओहदर कहते हैं। देखिए कोई भी आप लोग जनजाति की व्यवस्था पढ़िएगा तो दो चीज़ आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इसके पास में बहुत ज़्यादा है, एक तो है धार्मिक प्रधान और एक है आपका गांव का प्रधान यानी कि मुखिया, तो मुखिया और धार्मिक प्रधान आपको पता होना चाहिए, बेदिया इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बथुड़ी जो जनजाति है उसके मुखिया को देहरी कहा जाता है, अर्थ कहा जाना, अर्थ हो रहा है ज़्यादा। ये लेक्चर एक्चुअली में आपको कल ही आना था, लेकिन कल इतना ज़्यादा शोर हो रहा था दिवाली के चलते कि इसको मुझे ना सस्पेंड करना पड़ा, इसीलिए जो है से आज आपको मिल रहा है, और अब जस्ट मैं घर से आया हूँ तो अचानक से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित तो राज्य कौन कौन सा, कहने का मतलब जो दामोदर घाटी परियोजना है वह जो है से किस किस राज्यों में है, तो ये दो राज्यों में है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल और झारखंड, तो दो राज्यों में है या पश्चिम बंगाल और झारखंड में, ऑप्शन ही नहीं है, तो दो घाटों की, दो राज्यों के जो है से संयुक्त यह परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को कब स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको देख लीजिएगा, ये जो है से 7 जुलाई 1948 का है, कहा जाता है कि यह भारत की पहला जो है से रिवर वैली प्रोजेक्ट है, 7 जुलाई 1948, और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, ठीक है, दामोदर घाटी निगम का मतलब परियोजना है, यहाँ पे निगम के स्थापना में बोल रहा हूँ कि किया गया था 7 जुलाई 1948 को। भद्रकाली मंदिर परिसर से मिली बुद्ध की प्रतिमा किस शताब्दी की है, 8वीं 6वीं 5वीं या फिर 7वीं? तो जो भद्रकाली टेम्पल है आपको यह जो है से 7वीं शताब्दी की देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये जो भद्रकाली मंदिर आपको देखने को मिल रहा है चतरा में है ना, ठीक है, इटखोरी के आसपास देखने को मिलेगा, इटखोरी जो प्लेस है इसको बुद्धिस्ट सर्किल से जोड़ने की बात किया जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, इटखोरी चतरा में है, तो वहीं पे भद्रकाली परिसर है, तो वहीं पे बुद्ध की प्रतिमा मिला था जो कि माना जाता है कि 7वीं शताब्दी का है, इटखोरी चतरा याद रखिएगा, प्लेस इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी, तो यह है जगन्नाथ मंदिर ना, इसको याद रखिएगा, तो रांची के जो जगन्नाथ मंदिर है उसका स्थापना जो है 1691 में ठाकुर एनीसर यानी कि जो नागवंश के शासक थे उनके द्वारा किया गया था, तो 1857 के दौरान इसी मंदिर का जो संपत्ति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था, 1691 याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था ठाकुर एनीसर के द्वारा। मांदर बनाने के लिए किसके खोल का जो है से प्रयोग किया जाता है, तरबूज, लौकी, कोहड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर जो है से बी है, लौकी का जो खोल का जो है से प्रयोग किया जाता है मांदर बनाने के लिए, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, कभी देखा नहीं हूँ मांदर, तो आप लोग बताओ तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो लौकी का इसमें यूज किया जाता है। बाकी एक दुमका का मांदर है, कुछ दिन पहले न्यूज डाला गया होगा शायद, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, दुमका बोल रहा था गुमला जिले का एक रायडी ब्लॉक है जिसका गांव है जरजट्टा, तो वहां के मांदर है उसको जो है से GI टैग देने की बात किया जा रहा था, और ये जैसे हाल का ये न्यूज है 10 जुलाई 2023 का, तो अगर GI टैग आपको मिल जाता है ये सब चीज़ को जो आगे न्यूज में देखने को मिलेगा। बाकी अभी झारखंड में एकमात्र GI टैग दिया गया है सोहराई कोवर पेंटिंग को, जो कि हजारीबाग से निकल कर आया है, 2020 में इसको GI टैग दिया गया था, पहला जो GI टैग दिया गया था वह दिया गया था असम को जो चाय है दार्जिलिंग टी, उसको सॉरी पश्चिम बंगाल जो चाय है दार्जिलिंग,
उसको दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004-05 में। स्वर्तरंगिनी पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, महुआ मांझी, जोबा मांझी, रश्मि कुमारी या फिर गजाधर महतो? आंसर इसका सी है, रश्मि कुमारी। झारखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोला जाता है, तो जिसको 2009 में स्टेब्लिश किया गया। तो वहीं के पर जो है संगीत की या जो है शिक्षिका है रश्मि कुमारी, तो उन्हीं के द्वारा जो है स्वर तरंगिनी जो है पुस्तक लिखा गया है। स्वर तो संगीत होता है वो पता होगा, तरंगिनी मतलब लहर होता है। किस नागवंशी शासक ने जन शिकार प्रथा को शुरू किया था? मेदिनी राय, कंचन राय, गोपाल राय या फिर हेमंत राय? तो यह कंचन राय के द्वारा जो है जन शिकार प्रथा जो है शुरू किया गया था। जन शिकार क्या होता है? तो जन शिकार जो पर्व है वो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष वेश जैसे धारण करके शिकार करती हैं, एक हफ्ता तक लगभग ये चलता है जन शिकार पर्व। रांची की चर्च किस शैली में निर्मित है? तो ये जैसे गौथिक शैली में जो है निर्मित है ना, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सबसे पहले अगर देखिएगा तो 1909 के आसपास जो रांची का चर्च है उसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन जाकर इसका बोलिएगा तो अच्छा तरह से स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था 1927 में। तो रांची चर्च आप लोग बोल सकते हैं कि कंप्लीट रूप से जो बना था वो 1927 का है, गौथिक शैली में निर्मित है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ में स्थित है? शाहपुर, सरैया, रहम या फिर कुसुमगढ़? तो आंसर इसका डी है, कुसुमगढ़ में, कुसुमगढ़ है से पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर पूरा पाषाण काल के बारे में बात कीजिएगा तो इसको बोला जाता है 2.5 मिलियन ईयर एगो है, उससे लेकर 10,000 तक ईसा पूर्व का टाइम है पूरा पाषाण काल का। कुसुमगढ़ या देखिएगा ये जो है से पूरा पाषाण कालीन स्थल है या फिर रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से इसको अलग किया गया था। 341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जो कि झारखंड का सबसे छोटा जो है यह राज्य है एरिया वाइज। पॉपुलेशन में पूछेगा तो लोहरदगा लगाइएगा। सब डिवीजन यहाँ पे एक है और ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है, यानी कि प्रखंड अनुमंडल एक है। सबसे अधिक अनुमंडल गिरिडीह में है 4। ग्राम पंचायत यहाँ पे 125 है, विलेज की संख्या 364 है और झारखंड में 32,620 गाँव है टोटल। रामगढ़ देखिएगा तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में किया गया था, बागदेव सिंह के द्वारा कैपिटल का सीसिया था। और झारखंड का पता होगा, झारखंड का एकमात्र जैसे छावनी बोर्ड है रामगढ़ कैंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1941 में इसको घोषित किया गया था। रजरप्पा वाटरफॉल देख लीजिएगा या टेम्पल, दोनों जो है दामोदर और भैरू नदी के तट पर है, इसको देख लीजिएगा। बाकी पतरातू डैम रामगढ़ में है, ठीक है, और पीटीपीएस भी इसको बोला जाता है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। एरिया वाइज ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसको देख लीजिएगा। गांधी घाट भी यहाँ पे मिलेगा, समाधि है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है रामगढ़ में। और रामगढ़ सेशन तो आपको पता होगा 53 सेशन हुआ था 1940 में, जो कि मौलाना जो अबुल कलाम आजाद थे वो जो है इसको अध्यक्षता किए थे। आंसर इसका कुसुमगढ़ हो जाएगा, रामगढ़ में है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की डैश अधिक है, चालकता, प्रतिरोधकता, संगतता या फिर वितरण? तो इसका ना चालकता यानी कि जो रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो अधिक होता है। रेजिस्टिविटी के बारे में यानी कि प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। R इज इक्वल टू क्या होता है? तो रो एल अपॉन ए होता है ना। तो अगर लेंथ को हम लोग 1 मीटर कर दें और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो R इज इक्वल टू रो आ जाता है ना। तो बोला जाता है कि रेजिस्टिविटी होता है वह रेजिस्टेंस होता है एक वायर का जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो यह जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो अगर मिश्र धातु अगर बनाया जाता है तो रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जाता है नॉर्मल जो मेटल होता है उसकी तुलना में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो रेजिस्टिविटी होता है वह सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वह नेचर, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सब पर डिपेंड करता है। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक छात्र है जिसको ब्लैक बोर्ड पर जैसे कुछ लिखा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष देखिए उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, जिसमें होता क्या है, पढ़ने से लग रहा है कि निकट का जो दृष्टि में दोष है, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, निकट का ठीक दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो अगर अंतिम कक्षा में बैठा हुआ है तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उतना दूर देखने में उसको अगर उतना दूर से देखने में दिक्कत हो रहा है तो यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और दूर का यहाँ पे देख लीजिएगा, दूर का वस्तु दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके लिए कॉनकेव लेंस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए ज्यादा दृष्टि के लिए बायोफोकल लेंस यूज किया जाता है, दोनों कन्वेक्स कन्वेक्स दोनों, और मोतियाबिंद के लिए कैटरेक्ट सर्जरी करना पड़ेगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। यह जो है आधुनिक आवर्त नियम है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वह जो है एटॉमिक नंबर पर जो है बेस्ड है, यानी कि जेड पर बेस्ड है, इसको याद रखिएगा। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वह जैसे एटॉमिक मास पर बेस्ड था, ठीक है, लेकिन सबसे सफल बोला जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल था वह मेंडलीव का ही था, जितना सब ट्राई किए थे।
तो देख लीजिएगा, डोमिनेंट का ट्रिक जो आया था, फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो आया था, ये सब जो है से फेल था। ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है जो है से मेंडलीव का है, ठीक है, और उसी के बेस पर जो है से हम लोग जैसे आगे तैयार किए थे, ठीक है। 1913 के आसपास जो है से मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा जैसे मॉडर्न पीरियड टेबल तैयार किया गया है, और वर्तमान में जो है ऐसे मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर यानी कि जेड पर बेस्ड है। इसको बोला जाता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एक इसका बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ईमेल का कौन सा फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, सब्जेक्ट बीसीसी टू या फिर फ्रॉम, तो उद्देश्य यानी कि जो है से आपका भेजने का पर्पस क्या है, तो सब्जेक्ट होता है, इजी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, टू यानी कि इसको भेजा गया उसका एड्रेस है, और ये फ्रॉम जो होता है वह सेंडर का एड्रेस होता है, किसको जो है से कौन ईमेल भेज रहा है वह फ्रॉम, और किसको भेजा रहा होता है टू, यानी आपको हमको भेजना होगा तो टू में मेरा एड्रेस डालना होगा, ठीक है, ये वाला ईमेल। एक IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, जो IPv4 ईमेल एड्रेस सॉरी एड्रेस होता है प्रोटोकॉल है एक, तो ये जैसे 32 बिट का होता है, ठीक है, और जो IPv6 है वो जो है से 128 बिट का होता है, इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, IPv6 पूछेगा तो 128 बिट लगाइएगा, ठीक है। इनमें से कौन सबसे बड़ा कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर्स, आंसर इसका डी है, सुपर कंप्यूटर्स का साइज जैसे सबसे ज़्यादा होगा ये सब गिवन में, बाकी अगर यहाँ पे नहीं रहता सुपर कंप्यूटर तो आप लोग मेन फ्रेम लगाते, ठीक है। मेन फ्रेम में जो है काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, ये जो है काफ़ी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे जनगणना का डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर और कुछ ऐसा डेटा है जो कि पूरा कंट्री वाइज करना है, तो उस तरह के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर को देख लीजिएगा। बाकी अभी जो है विश्व का सबसे फास्ट बोलिए सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अमेरिका का या फ्रंटियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फुगाकू जापान का सेकंड स्थान पे है, जो नया जो है 2021 में आया था तब, ठीक है, देख लीजिएगा। फ्रंटियर जो है ये 2022 का था डेटा, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कब का है, लेकिन वर्तमान जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर ही है अमेरिका का, फुगाकू जापान का दूसरे स्थान पर है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आई होप कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा होगा, तो सीखते हैं तो वीडियो पर फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, और वीडियो को जो है शेयर भी जरूर कीजिएगा, बाकी कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ सुझाव हो या फिर कुछ क्रिटिसिज्म हो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वंदे भारतम, जय हिंद।